शहर के स्कूलों में आए दिन बमबाजी की घटना मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और 10 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडेय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि बीते 22 मई को सिविल लाइन स्थित बिशप जॉनसन स्कूल के छात्रों के मध्य आपस में मारपीट के दौरान बम फेंके गए थे। देखिए, विगत दिनों जैसा कि घटनाएं यहां पे हुई हैं, जिसमें विभिन्न स्कूलों और अन्य स्थानों के बाहर बमबाजी की घटनाएं हुई थी। सभी घटनाओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें अनावरण तथा जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी का एक तरह से एसपी सिटी और एएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही थी। उसी के तहत कुल 11 लोगों को अप्रीहेंड किया गया, जिसमें एक वयस्क है तथा 10 ये नाबालिग हैं। नाबालिगों को जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत उनको बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है तथा जो बालिग हैं उनका कोर्ट से रिमांड बना के उनको जेल भेजा जा रहा है। इनका अपराध क्या था, मोडस ऑपरेंडी क्या? इन छात्रों के द्वारा विभिन्न ग्रुप में जिसमें ये इन्वॉल्व हैं, इसमें कई सारे ग्रुप के नाम आए हैं, जिसमें तांडव ग्रुप, इमोटल ग्रुप, जगुआर ग्रुप, माया ग्रुप इत्यादि अन्य कई ग्रुप्स हैं जिसमें ये स्कूली छात्र शामिल हैं। एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के प्रति राइवलरी, अपना वर्चस्व जताना, एक ग्रुप के छात्रों को दबाना, इस तरह के एक तरह से एक पशनबाजी और अपना वर्चस्व कायम करना, ग्रुप का वर्चस्व कायम करना, इन उद्देश्यों को रखते हुए दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई सारी इन्होंने घटनाएं की और सोशल मीडिया का जो है गलत इस्तेमाल करके इन घटनाओं को ग्लैमराइज करने का भी इनके द्वारा काम किया जा रहा था। कल बिशप जॉनसन स्कूल के बाहर हुआ था, उसके पहले बॉयज़ हाई स्कूल, पतंजलि स्कूल, अन्य कई प्रतिष्ठानों के बाहर इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया गया था। इसी के तहत विगत दिनों में कई सभी घटनाओं में अभियुक्त पंजीकृत करके कुल लगभग 35 ऐसे लोगों को अरेस्ट करके उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभी और भी लोग हमारे स्कैनर में हैं और हम लगातार इन घटनाओं पर फोकस करते हुए ऐसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से हम इनके पेरेंट्स से, स्कूल प्रशासन से पुनः अपील करते हैं कि इनकी अपने अपने छात्रों की, अपने बच्चों की अच्छे से काउंसलिंग करें, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, उनको अपराध की दुनिया में कदम रखने से रोकें, विशेष करके उनके मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नज़र रखें, जिससे कि हम ऐसे छात्रों को जो देश का भविष्य बन सकते हैं उनको अपराध के क्षेत्र में लाने से रोक सकें। इसी प्रकार संगम क्षेत्र हनुमान मंदिर के पास 4 जुलाई को जन्मदिन मना रहे युवकों पर बम से हमला हुआ था, जिसमें थाना दारागंज में 5-6 अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 जुलाई को पतंजलि ऋषिकुल में छात्रों मध्य आपसी विवाद में बमबाजी हुई और 22 जुलाई को सिविल लाइन स्थित बीएचएस के मुख्य गेट पर बमबाजी हुई। 25 जुलाई को सिविल लाइन के बिशप जॉनसन स्कूल के बाहर बमबाजी हुई। इन मामलों में सुधांशु मिश्रा पुत्र धनंजय मिश्रा निवासी संग्राम सिंह हॉस्पिटल के पास बेली कॉलोनी थाना कैंट एवं 10 बाल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ग्रुप्स में मेंबर्स की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसा कि अभी तक इनकी पूछताछ में आया है। कुछ ग्रुप में संख्या ये 100 से ऊपर तक है, एक ग्रुप में 300 तक की बताई जा रही है जैसा इन सबसे पूछताछ में आया है। कुछ में 15, 20, 30 इस तरह के भी मेंबरशिप है इनकी। रही बात गिरफ्तारी की, तो जैसा मैंने बताया जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें मैक्सिमम गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ अभी वांछित चल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ और भी इनके एक्टिविटीज़ के एविडेंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मिल रहे हैं, तो उन पे भी विधिक कार्रवाई करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जैसा मैंने बताया, आज जो 11 भेजे जा रहे हैं उसमें 10 माइनर, 1 मेजर, मैंने पहले ही बताया। किस तरह की कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? देखिए, जो माइनर है उनको जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है। ये क्रूड बॉम्ब जो होता है, जिसको कह रहे हैं कि एक तरह से देसी पटाखे वाले जो बम हैं वो ये बनाते थे, उसके लिए जो मटेरियल है वो बड़े आसानी से इनको मिल जाता है और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब इत्यादि पर उसके वीडियोस देख देख के ये बनाते हैं और बना के ये दहशत फैलाने के लिए, जैसा मैंने बताया,
ये फेंकते हैं। अगर किसी लड़के से उनकी दुश्मनी है, वो लड़का किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ जाके बमबाजी कर देना। किसी गैंग के बच्चे हैं, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे हैं, तो वहाँ बमबाजी कर देना। तो इस तरह की घटना इनके द्वारा तारीफ की जाती है।